हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है और साथ ही में हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है हमारा, गामा एम इनटू गामा एम प्लस वन अपॉन टू इक्वल होता है अंडर रूट पाई इनटू गामा टू एम अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन। ठीक है, वेयर एम इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारा होता है डुप्लीकेशन फार्मूला। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में हमें रिलेशन पता है क्या रहता है, बीटा एम एन हम लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये आपका बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन रहता है। तो अगर हम पुट करें यहाँ पर एन इक्वल्स टू एम, तो हमारा आ जाएगा बीटा एम कॉमा एम इक्वल्स टू गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है, अब हम इसको पुट कर रहे हैं, हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, एक और हमें बीटा और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से हमें एक और फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि बीटा फंक्शन किसके इक्वल होता है, आपके इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx। ठीक है, ये आपका आ रखा है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो वैसे तो आपका n होता है लेकिन हमने यहाँ पर m लिया है तो यहाँ आएगा आपका m माइनस वन। ठीक है, अब हम पुट कर रहे हैं इस पर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका dx इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। तो x जब हमने साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी, तो जब आपका x जीरो था तो उस समय थीटा भी आपका जीरो होगा। x की वैल्यू जब आपकी 1 थी तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी पाई बाई टू, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो पाई बाई टू। तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई टू। x की जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा आपका 2 की पावर m माइनस 1 थीटा और cos की पावर 2 m माइनस 1 थीटा, क्योंकि आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो cos स्क्वायर थीटा इंटू उसकी पावर m माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। dx जो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा, तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। अब ये है आपका साइन के पावर 2m माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, ये साइन थीटा, तो साइन के पावर 2m माइनस 2 प्लस 1 आएगा आपका साइन की पावर 2m माइनस 1। सिमिलरली cos के पावर 2m माइनस 2 प्लस cos के पावर 1 क्या आएगा आपका cos के पावर 2m माइनस 1 थीटा, और यहाँ आएगा आपका डी थीटा। तो ये आपका यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की पावर टू एम माइनस वन डी थीटा। ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा ऐसा कुछ, तो टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन टू थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा और इनटू 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, 2 आपका डिनोमिनेटर पे जाएगा तो क्या बनेगा आपका 2 की पावर 2m माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर क्या थी आपकी 2m माइनस 1 टू थीटा और डी थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपका पीछे से आया था साइन के पावर टू एम माइनस वन टू थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम टू थीटा को यहाँ पर पुट कर रहे हैं आपका फाई के इक्वल। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा आपके किसके इक्वल, फाई अपॉन थीटा होगा आपका फाई अपॉन टू के इक्वल। तो डी थीटा क्या आएगा आपका यहाँ से डी फाई अपॉन टू। ठीक है, तो लिमिट भी आपकी चेंज होगी, थीटा की वैल्यू जब आपकी जीरो थी तो फाई की वैल्यू क्या आएगी उस समय आपकी जीरो, थीटा की वैल्यू जब आपकी पाई बाई टू थी तो फाई की वैल्यू क्या आएगी उस समय आपकी, थीटा की वैल्यू जब आपकी पाई बाई टू थी तो फाई की वैल्यू आपकी आएगी पाई। ठीक है, तो थीटा आपका पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल होगा तो फाई इक्वल्स टू पाई। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई आपकी, जीरो से पाई, तो ये आएगा वन अपॉन टू की पावर टू एम माइनस टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई साइन की पावर टू एम माइनस वन फाई इंटू डी फाई अपॉन टू, डी थीटा की जगह आएगा डी फाई अपॉन टू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन गया है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें हम यूज करेंगे अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आया आपका 2 की पावर 2m माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 को हम बाहर ले जाएंगे तो प्लस 1 आपका आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 × 2, ठीक है। हमें पता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये आएगा आपका साइन के पावर 2m माइनस 1 φ × dφ, ठीक है। ये आपका बन गया। तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ पर, 2 को अगर हम डिनोमिनेटर पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, ये था आपका 2m माइनस 2 प्लस 1, तो 2m माइनस 1 और -1, तो कितना आएगा आपका 2m माइनस 2, ठीक है। कैसा आया आपका 1 अपॉन 2 × 2 की पावर m माइनस 1 × 2 था 2 की पावर 1, तो 2m माइनस 1 और -1 बनेगा आपका -2, ठीक है। तो आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन के पावर 2m माइनस 1 φ और dφ आपका यहाँ पर बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन के पावर 2m माइनस 1 φ, और हम लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस की पावर 0 φ और dφ, ठीक है। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 आपका होगा कॉस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा, किसके इक्वल होता है, गामा m प्लस 1 अपॉन 2 × γ(n+1)/2 2 की पावर 2 × γ(m+n+2)/2, जहां आपका m इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड n इज आल्सो ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसलिए हमने कॉस की पावर 0 φ यहां पर लिखा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 2, ठीक है। तो m आपका यहाँ पर क्या है 0, और n आपका क्या है यहाँ पर 2m माइनस 1, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, अब ये तो नहीं हट, ये हट जाएगा आपका, क्या बनेगा गामा m प्लस 1 अपॉन 2, m क्या है 0, तो गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2, n क्या है आपका 2m माइनस 1 प्लस 1, तो 2m अपॉन 2 आएगा आपका m अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2, m क्या है 0 प्लस n क्या है 2m माइनस 1 प्लस 2, तो ये आएगा 2m प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका यहाँ से बनेगा। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 2 गामा हाफ इंटू गामा m अपॉन 2, और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा m प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 आपका आपका यहाँ से वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा हाफ की वैल्यू होती है आपकी √π इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 और जो आपकी आई थी यहाँ पर इक्वेशन 1, तो दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, एक था हमारा यहाँ पर गामा m अपॉन गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m, किसके इक्वल था 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 × γ(m)√π/γ(m+1)/2, ठीक है। एक हमारी इक्वेशन आई फर्स्ट से, और एक हमारी इक्वेशन 2 जो हमने यहाँ से आई थी, ठीक है। दोनों को हमने इक्वेट करा, तो ये हमारा बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा m से आपका एक गामा m कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बनेगा गामा m इंटू गामा m प्लस 1 अपॉन 2 √π × γ(2m)/2m−1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।